लकड़ियों से वो बना हुआ है, और उस लकड़ी वो जो है बहुत टाइटली जो है वो वॉल बनी हुई है लकड़ी की, बैम्बू की वो। और उसमें क्या करता है, जिराफ कोशिश करता है, कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो जिराफ बहुत लंबा होता है, तो वो उस फेंस को कुछ नहीं कर पाता। गोट क्या करता है, थोड़ा सा एफर्ट करता है, उसे तोड़ने की कोशिश करता है और उसमें छोटा सा होल कर लेता है नीचे की तरफ, और जिससे वो इजीली जो है उसको क्रॉस करता है, और उसको क्रॉस करके उस खेत में चला जाता है जहाँ पे बहुत सारी सब्जियां होती हैं। जब वो सब्जियां खा रहा होता है तो वो जिराफ जो उसको देख के बहुत ललायक, यानी कि वो उसके मुंह में पानी आ जाता है उसको देख के, क्योंकि उसका मन भी बहुत था वो खाने का, पर वो अपनी हाइट की वजह से उस छोटे से होल में से नहीं निकल पाता। तब जो है गोट उसको पूछता है कि अब तुम बताओ छोटे होने के फायदे हैं या बड़े होने के फायदे हैं। तब जो है जिराफ को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो कुछ नहीं कह पाता। इससे वो गोट जो है उसको वो समझा पाता है कि हमें सबसे विनम्र रहना चाहिए, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, हर किसी के अपने फायदे और अपने नुकसान होते हैं। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज एवरी वन इज यूनिक इन इट्स ओन वे, यानी कि हर कोई इंसान, हर कोई जानवर, हर कोई वस्तु जो है अपने में बहुत ही अद्भुत है। कोई छोटा वो कर सकता है जो छोटा बड़ा नहीं कर सकता, और कोई बड़ा ऐसा कुछ कर सकता है जो छोटा नहीं कर सकता। तो सबके अपने फायदे नुकसान है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज क्लास, आज की स्टोरी आपको समझ में आई होगी। एंड वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।